उत्तर प्रदेश व्यापार प्रतिनिधि मंडल की एक सभा कटरा नास स्थित कार्यालय पर संपन्न हुई। कार्यालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दीपक अग्रवाल ने की। बैठक प्रांतीय महामंत्री राकेश अग्रवाल की उपस्थिति रही। इस दौरान बैठक में कहा गया कि जिस प्रकार सरकार ने वादा किया था कि एक देश एक कर, लेकिन यहाँ उसका उल्टा ही हो रहा है। हर चीज पर अलग टैक्स लगाया गया है जो व्यापारी को परेशान कर रहा है। सभी ने बैठक में कहा कि जीएसटी के नियमों को सरल किया जाए तथा जो भी परेशानियां व्यापारियों को आ रही हैं उनकी शिकायत दर्ज कराई जाए। तो वहीं दीपक अग्रवाल ने कहा कि व्यापारी को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो भी रोका जाए। इस दौरान बैठक में दीपक अग्रवाल, नरेश अग्रवाल, जयदेव यादव, विपिन गुप्ता, मोहन लाल सैनी के साथ अन्य पदाधिकारियों भी मौजूद रहे। सर, आपका नाम? मेरा नाम लोकेश अग्रवाल है। मैं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का प्रांतीय महामंत्री हूँ। सरकार ने पूरे देश में जीएसटी लागू किया है। जिस प्रकार सरकार ने जीएसटी लागू किया और जीएसटी लागू करते समय जो वादे किए थे, वो सभी वादे मिथ्या, भ्रामक और झूठे साबित हो रहे हैं। सरकार का पोर्टल चल नहीं रहा है। जीएसटी की रिटर्न 3 की जगह GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3, GSTR 3B और GSTR 2B के नाम पे 5 रिटर्न व्यापारियों से फाइल करवाई जा रही है। पेनल्टी और जुर्माने का भय दिखाकर व्यापारी को गुमराह किया जा रहा है, उसे कारोबार को छीनने की साजिश की जा रही है। जब व्यापारी GST पेड करके अपना माल लेकर आ रहा है तो रास्ते में ट्रकों को क्यों रोका जाता है? ई वे बिल के नाम पर सरकार ने व्यापारी से धोखा किया गया है। GST की मूल भावना में ई वे बिल नहीं था। ई वे बिल को फार्म 38 और फार्म 21 का रूप देकर ई वे बिल 1 और 2 सरकार ने लागू किया गया है, जिसका व्यापार मंडल घोर विरोध करता है। सरकार ने जिस टाइम GST लागू किया था, उस टाइम सरकार ने कहा था एक मार्केट, एक देश, एक टैक्स। आज उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। कोल्ड ड्रिंक पर, तंबाकू उत्पादकों पर और गाड़ियों पर जिस तरीके से सरकार ने सेस थोककर व्यापारियों को ठगने का काम किया, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। व्यापार मंडल सरकार को चेतावनी दे देना चाहता है कि सरकार GST का सरलीकरण करे, रिटर्नों को कम से कम कागजों में जमा करवाए। अगर सरकार टैक्स लेना चाहती है तो हम सरकार का खजाना टैक्स से भर सकते हैं। अगर सरकार उत्पीड़न कर और हमारा व्यापार छीन कर टैक्स लेना चाहती है तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजाना जानते हैं। हम सरकार को व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं करने देंगे। मल्टीनेशनल कंपनी और शॉपिंग मॉलों का खिलौना बनकर सरकार हमारा कारोबार छीनने का साजिश कर रही है। हम उस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई आंदोलन करना पड़े या सरकार की हम किसी लाठी गोली से या जेल जाने से नहीं रोकते। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।